नमस्कार दोस्तों, आज के डी 30 का टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम पर साल भर का पूरा करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर होंगे, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित होंगे। सबसे पहले हम 20 प्रश्न देख लेते हैं। इस पूरी कड़ी का पहला एपिसोड ये है और इस एपिसोड में 20 प्रश्न, फिर आगे और हम डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इनको वीडियोस को देख के और तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत नोट भी कर लीजिए और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके और उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया विकसित किया है। यहाँ पे संस्थान की स्पेलिंग देखिए गलत है, इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसने ऐसा किया है, विश्व का पहला ऐसा यूरिया डेवलप किया गया है। भारत में ये डेवलपमेंट हुआ है इफको के द्वारा। इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये यूरिया तैयार किया है और इस यूरिया की सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इस यूरिया में लिक्विड फॉर्म में 500 ml की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन बनाने की क्षमता होगी और एक बैग जो नाइट्रोजन का होता है यूरिया का 50 किलो का, उसके बराबर पोषक तत्व इसमें होंगे। तो इसका उपयोग करने से कम में ज्यादा लाभ मिलेगा और उत्पादकता यूरिया उत्पादकता बढ़ाने के लिए जानी जाती है। तो यूरिया के लिए अब आपको बड़ी बड़ी बोरियां नहीं, छोटी छोटी बोतलों का इस्तेमाल करके आसानी से काम कर देना होगा और उत्पादकता आपकी बढ़ जाएगी अगर आप खेती बाड़ी से रिलेटेड है। नहीं तो हमारे किसान अगर ऐसा ना करें तो हम लोग खाएंगे क्या, भी तो एक मुद्दा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 को तैयार करने में निम्नलिखित में से किन आयामों का प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन से आयाम हैं जिनके आधार पर इसको बनाया जाता है। ETI 2021 जो है ये WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसको बनाने के लिए आर्थिक विकास और वृद्धि, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच, इन तीन आयामों पैरामीटर्स का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सामाजिक विकास का कोई जिक्र नहीं रहता है। 115 देशों की सूची में अभी भारत का स्थान क्या रहा है, ये भी अगला प्रश्न है, उसमें हम करेंगे। लेकिन ये सूचकांक इन तीन आयामों पर बनाया गया और उसमें देखा गया कि उनकी सुरक्षित, अस्थायी, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण के लिए अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन क्या है और उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया। आपको ये तीन आयाम जरूर ध्यान रखने हैं जो कि हैं आर्थिक विकास और वृद्धि, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें पहला स्थान जो रहा है वो स्वीडन का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में 115 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है, जबकि स्वीडन का मैंने यहाँ पे ही डाल दिया है कि उसका शीर्ष स्थान रहा है। तो भारत का इसमें स्थान रहा है 87वां, ठीक है, 87वां स्थान इसमें रहा है भारत का। इसको पूछ लिया जाए कौन जारी करता है, तो इसको विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। कितने देशों का जारी किया गया, 115 देशों का। प्रथम स्थान स्वीडन का, दूसरा नॉर्वे का, तीसरा डेनमार्क का रहा है और अंतिम स्थान जिम्बाब्वे का रहा है 115वां। भारत का स्थान बिल्कुल नहीं भूलना है, 87वां स्थान भारत का रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। अलग से भी प्रश्न बने कि EFI इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका रहा है, तो सिंगापुर का, और इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि कितना रहा है, तो भारत का स्थान बहुत खराब है, 121वां स्थान रहा है, है ना। इसको एक अमेरिकी थिंक टैंक है, रूढ़वादी थिंक टैंक इसको माना जाता है, हेरिटेज फाउंडेशन, उसने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए जारी किया गया है। 184 देश इसमें शामिल किए गए और इसमें भारत का अंक रहा है 56.5 और इन अंकों के साथ टोटालिटी में इसका जो रैंक रहा है 121वां। लेकिन अगर एशिया प्रशांत देशों के बीच देखा जाए तो इसमें 26वें स्थान, 40 देश एशिया प्रशांत के थे उसमें 26वें स्थान पर यह है। सिंगापुर का रैंक फर्स्ट है, न्यूजीलैंड का रैंक सेकंड है, रैंक थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे है स्विट्जरलैंड और फिफ्थ पे है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप और इंडिया की रैंक जरूर ध्यान रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार GDP में कृषि की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर लोग इसमें 17.8% या 16.8% टिक करेंगे, कुछ लोग 14.8 पर भी चले जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.9%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 में
बताया गया कि कृषि की विकास दर 3.4% बढ़ी है और इसके साथ इसकी जो हिस्सेदारी है वो 17.8 से बढ़ के 19.9% पहुंच गई है भारत की जीडीपी में। पहले 17.8% थी लेकिन 2021 में ये 19.9% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य के अंतर्गत किस सीजन में अधिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? खरीफ और रवि सीजन और जायद सीजन यहाँ पे दिया हुआ है। खरीफ और रवि सीजन के मुख्य रूप से दो सीजन होते हैं जिसमें फसल खाद्यान्न जो आपकी फसल है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो खरीफ सीजन और रवि सीजन में से देखा जाए तो रवि सीजन में इन्होंने टोटल जो लक्ष्य रखा है, रवि सीजन का लक्ष्य है 155.88 मीट्रिक टन और खरीफ सीजन का है 151.43। तो रवि सीजन का जो लक्ष्य है वो ज्यादा है, रवि सीजन का लक्ष्य इसमें ज्यादा है 155.88 मीट्रिक टन और खरीफ का कम है। आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल कितना लक्ष्य रखा गया है खाद्यान्न उत्पादन का 2021-22 में, तो 2021-22 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 307.31 मिलियन टन, 307 करके भी प्रश्न आपसे लगभग करके पूछा जा सकता है, इतना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2021-22 के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 2021-22 के लिए इन लक्ष्यों की घोषणा की। इसमें रबी के लक्ष्य ज्यादा है, खरीफ के लक्ष्य कम है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ये जो बैंक है वो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी इसको ज्वाइन किया है एनजीएफएस को, और एनजीएफएस में शामिल होने के बाद क्या होगा, इसका मकसद क्या है? तो केंद्रीय बैंक जब एनजीएफएस में शामिल हुआ तो हरित वित्त जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उसने ये कुछ विचार किया है, कुछ उसके महत्व को समझा है, तब शामिल हुआ है। और इससे लाभान्वित होने और हरित वित्त पर वैश्विक प्रयासों के योगदान करने की अपेक्षा ये रख रहा है ना। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनजीएफसी की शुरुआत 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी और ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो अस्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए ये प्रयास करता है, और ये मतलब मुख्य धारा विषयक वित्त का इस्तेमाल करते समय अपने उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने की जो इच्छा रखते हैं उनको ये क्या करता है, उनको क्या करता है, मुख्य ये अस्थायी अर्थव्यवस्था बनाने में उनकी मदद करता है। कहने का मतलब ये हरित पहल के तहत ये एक प्रयास है। विश्व के शीर्ष 10 मूल्यवान बीमा ब्रांड में, ये ब्रांडल लिखा है लेकिन ये ब्रांड होगा, ब्रांड में भारत की कौन सी बीमा कंपनी शामिल है? तो 10 शीर्ष जो ब्रांड घोषित किए गए उसमें पहला स्थान इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर आया पोस्ट इटालियन, इटली का है ये इंश्योरेंस ब्रांड, इंश्योरेंस कंपनी है। और सबसे मूल्य अगर मजबूत ग्लोबल ब्रांड आपसे पूछ लिया जाए तो मजबूत पोस्ट इटालियन हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे सबसे मूल्यवान पूछा जाए तो ये होगा पिंग एन इंश्योरेंस। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, 10वां इसका स्थान रहा है। सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड में इसका 3रा स्थान रहा है, लेकिन सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड में इसको 10वां स्थान मिला है टोटल, मतलब टोटालिटी में। और विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो स्थान है सबसे मजबूत के रूप में वो पोस्ट इटालियन का है, और मूल्यवान के रूप में देखा जाए तो पिंग एंड इंश्योरेंस ये चीन की है, अमेरिका नहीं, ये चीन की है, सॉरी चीन की, मैंने शायद अमेरिका बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल है? मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना और निजी खरीद व भंडारण योजना। पीएम जो आशा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2018 में घोषित एक अम्ब्रेला योजना है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से इसको जाना जाता है। किसानों को उनकी उपज के लिए रिटर्न अच्छा मिल पाए इस कारण से बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, और इसमें तीन उप योजनाएं, ये तीनों मूल्य समर्थन, मूल्य अंतर भुगतान और निजी खरीद व भंडारण योजना, सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने
खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया है? तो सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है, पहले ये हुआ करता था कितना, पहले ये हुआ करता था 1888 रुपये, जो नहीं 1868 रुपये, और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1940 रुपये। और जो ग्रेड वन धान होता है, ग्रेड ए बोलते हैं, ग्रेड ए धान, उसका होता था 1888, तो उसको बढ़ा के 1860 किया गया है। तो इसको 1868 से 1960 किया गया है, और इसको 1940 किया गया है 1868 से। दोनों में ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 72 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है, 72 रुपये प्रति क्विंटल की ये बढ़ोतरी की गई है। ये जो की जाती है ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है ना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 2021-22 के लिए ये खरीफ फसलों की अभी घोषणा की गई है। तो जो ग्रेड ए धान है वो 1960 रुपये इसका हो गया है समर्थन मूल और न्यूनतम समर्थन मूल, और सामान्य धान का 1940 रुपये, और दोनों में बढ़ोतरी 72 रुपये की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ फसल सीजन 2021-22 के लिए किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपसे। तो अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो वो धान में नहीं है, वो है तिल में। किसमें? तिल में, तिल या ससेमे इसको बोलते हैं। तो तिल में ये सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और तिल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको सेसामम में 452 रुपये, यानी कि तिल में जो बढ़ोतरी की गई है वो 452 रुपये की। उसके बाद में तुअर और उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। फिर मूंग में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो यही याद रखना कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई है, तो तिल में की गई है, सिसामम में की गई है। प्रधानमंत्री की वही जो समिति मैंने आपको अभी बताया, आर्थिक मामलों की जो समिति है, जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने, ये बार बार मैं क्वेश्चन में क्यों दे रहा हूं, इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं? इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, समझना ये है कि आप इसको याद रखिए कि कौन करता है, ये भी प्रश्न बनता है। यहाँ पे आप मत सोचिएगा क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, इतना ना लिखते बस लिख देते कितना है 2021-22 में कितने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। ये आपकी तैयारी के लिए है, ऐसे प्रोग्राम आपकी तैयारी के लिए होते हैं कि आप तैयार कर पाए, यहाँ खाना पूर्ति नहीं होती है, ठीक है? तो इसको आप करते रहिए। तो 2021-22 हाँ, जीआईसी लेक्चरर का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में प्रैक्टिस का सेशन चलने जा रहा है, 40 क्वेश्चन का जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए, तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐप पर वो मिल जाएगा। जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ फसल सीजन 2021-22 में कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की घोषणा की है? तो ये फसलों की सूची में 22 फसल शामिल है, 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप नाम 22 का याद रखें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वर्ष 2020 के अंतर्गत प्रेषित धन का बहिर्प्रवाह किस देश से हुआ है? सर्वाधिक पूछा जा रहा है, सर्वाधिक किस देश से हुआ है, मैक्सिमम, यहाँ पे सर्वाधिक शब्द लगाइएगा, इसको मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपको सही करके दूंगा। तो वर्ष 2020 के अंतर्गत सर्वाधिक प्रेषित जो बहिर्प्रवाह हुआ है वो किस देश से हुआ है? तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाहर गया है, सबसे ज्यादा इसी से। फिर उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात की बारी आती है, फिर स्विट्जरलैंड और जर्मनी, चीन का फिर उसके बाद स्थान आता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा हुआ है अमेरिका से प्रेषित धन का बहिर्प्रवाह, सर्वाधिक हुआ है, फिर यूएई से, फिर सऊदी अरब, यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा अमरीकियों ने बाहर धन भेजा है अमरीका से, तो अमरीकी देश से गया है ना, अमरीका से गया है ना, इस कारण से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ष 2020 का ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जा रहा है, प्रेषित धन के रूप में भारत ने 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त किया है, और पिछले वर्ष 2019 की तुलना में ये थोड़ा सा कम भी हुआ है कोविड के कारण, 0.2% कम हुआ है, क्योंकि तब 83.3% वो सॉरी 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ करता था, तो ये भारत ने ही प्राप्त किया है ना, और गिरावट आई है तब भी। और इसमें संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषित जो धन है उसमें 17% की कमी आई है, वहां के लोग वापस चले आए, इस कारण वहां से जो धन आ रहा था वो कम हो गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आयोजक जो देश हैं वहां पर भी देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा ही है। तो भारत सबसे ज्यादा
प्राप्त करने वाला प्रेषित धन के तहत ये देश हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में शीर्ष राज्य कौन सा है? सॉरी, यहां पर ये क्वेश्चन गलत बना है। कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में शीर्ष राज्य कौन सा है ये पूछा जाना है, तो ये गुजरात है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसमें शीर्ष स्थान पे है। यहां से गुजरात हटाना चाहिए था, वो पहले व्याख्या से लेके ये बनाया गया है, इस कारण से ऐसा हुआ। तो शीर्ष जो अपवाह रहा है, शीर्ष जो प्रवाह रहा है वो गुजरात से हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 37% जितना एफडीआई आई है भारत में, उसका 37% गुजरात को मिली है, उसके बाद 27% महाराष्ट्र को, फिर 13% कर्नाटक को मिली है। तो शीर्ष स्थान रहा है गुजरात का, शीर्ष प्राप्तकर्ता गुजरात रहा है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर आगे के और स्टेट है, लेकिन गुजरात का आपको ध्यान रखना है 37% सबसे ज्यादा रहा है। भारत में शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से वित्त वर्ष 2020-21 में प्रथम स्थान पर है कौन, जिसने सबसे ज्यादा निवेश यहां पर किया है? तो भारत में शीर्ष निवेशक देशों की बात की जाए तो सिंगापुर ने टोटल का 29% निवेश भारत में किया है। जितना निवेश भारत में हुआ है विदेशों से, तो उसमें सिंगापुर के थ्रू सबसे ज्यादा हुआ है 29%। उसके बाद यूएसए का स्थान आता है 23%, फिर मॉरिशस का 9%, ये स्थान आता है। रूस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, ये ध्यान रखना है आपको, सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एफडीआई पिछले वर्ष वित्त जो वर्ष रहा है 2019-20 में आकर्षित किए गए कुल एफडीआई की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था? तो 2020-21 में जो रहा है वो 2019-20 से कितना ज्यादा है? 19-20 में ये 74.39 अरब अमेरिकी डॉलर था, और आगे जो अब की बार आया है 2020-21 में ये बढ़ के हो गया 81.72 अमेरिकी अरब डॉलर, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 10% की हुई है। कितनी हुई है? 10% की। 10% की बढ़ोतरी आप करेंगे तो इसमें 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2019-20 की तुलना में 2021 में 10% ज्यादा आया है ना एफडीआई का जो प्रवाह है। भारत में शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से देखा जाए तो सिंगापुर, मैंने आपको बताया 29% के साथ शीर्ष ये देश हो जाएगा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मॉरिशस का नंबर आता है। अगला जो प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राज्य सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि कौन ये निवेश रिपोर्ट जारी करता है, शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों का सही क्रम कौन सा है। जो पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है, उसके बाद चीन, और चीन के बाद में हांगकांग का नंबर आता है ना, और भारत का जो स्थान है वो पांचवा है। तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास चीन, चीन के बाद हांगकांग, फिर सिंगापुर और उसके बाद भारत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और हांगकांग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए व्याख्या देखते हैं। इस व्याख्या में देखिए स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ और इसका स्थान पांचवा रहा। प्रथम जो राज्य है चार, उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चाइना। अमेरिका को 156 बिलियन डॉलर, ये जबकि घटोत्तरी इसमें हुई है, घटा है ये प्राप्त हुए। 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं चीन को, हांगकांग को 119 बिलियन डॉलर, और ये सिंगापुर को 91, और भारत को कुल 64 बिलियन डॉलर मिले हैं, ठीक है। और एफडीआई प्रवाह 2020 में 35% घटा है, लेकिन तब भी इन देशों का जो ये आंकड़ा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के, यानी कि इस एपिसोड में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका ये अंतिम प्रश्न है। उसके अंतर्गत 2021 में प्रमुख फसलों के उत्पादन का अनुमान इस प्रकार है, तो अशुमेलित युगों की पहचान करना है, इस प्रकार है, यानी कि ऑप्शन में दिया है। कुल खाद्यान्न यानी कि जो उत्पादन हुआ है 305.44 मिलियन टन टोटल उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का, बिल्कुल सही है। चावल का 121.46 मिलियन टन हुआ है, गेहूं का 108.25 मिलियन टन हुआ है। पूछा जा रहा है असुमेलित कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। ये सारे आंकड़े जो कृषि मंत्रालय के हैं अग्रिम अनुमान है और ये सही दिए हुए हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा, अलग अलग प्रश्न ये बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसा रहा आप इस पर जरूर कमेंट करें, हमको बताएं, और जिससे कि हम आगे के और एपिसोड आप लोगों के लिए ला पाए, आप लोगों को शेयर भी करें। चलिए
अब देखते हैं हम करंट अफेयर के आज के प्रश्नों को। ओमियम इंटरनेशनल ने कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? ओमियम इंटरनेशनल ये कंपनी का नाम है और इसने अभी बेंगलुरु कर्नाटक में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मशीन मतलब ये निर्माण इकाई शुरू की है। ये है क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। ये अमेरिका की एक तो ये कंपनी है ये जानिएगा, और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई इसने यहाँ पर शुरू की है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण यहाँ पर ये करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है, ये बेसिक अंतर है, ये ध्यान रखना है। और भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगा, यहीं पर हाइड्रोजन ये बनने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? और ये अध्यक्षता जो की गई है वो अजीत डोभाल के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ब्रिक्स जो है उच्च प्रतिनिधियों की अभी 11वीं बैठक आयोजित कर रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने की है। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इस रूप में। अगर ये भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तभी तो अध्यक्षता यहाँ के लोग करेंगे, ये तो निश्चित होता है ना। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में होगा, ठीक है। और एनएसए की ब्रिक्स बैठक में 5 देशों को राजनीतिक सुरक्षा सहयोग कैसे मजबूत करना है इस पर बातचीत की गई। एक मंच के तौर पर ये देश कार्य कर रहे हैं और इसमें हर देश के किसी न किसी प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमारे यहाँ से अजीत डोभाल। 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा था जल्दी ही, ठीक है। तो चौथी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? एक तो रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरी आपकी टाटा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, और एक है HDFC बैंक। अब चौथी कंपनी इन्फोसिस बन गई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्फोसिस 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप जो था वो उसने पार कर लिया है और इन्फोसिस जो है ये बन गई है, तो ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक ये रही है और ये व्यापार परामर्श सूचना प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग सेवाएं ये प्रदान करती है। इन्फोसिस की स्थापना नारायण कृष्ण मूर्ति का नाम सुना है ना, सुधा नारायण कृष्ण मूर्ति और नारायण कृष्ण मूर्ति पति पत्नी है, इन लोगों ने 7 लोगों के साथ मिलकर की थी 7 जुलाई 1981 को। बढ़िया कंपनी है हमारे देश की। युक्त धारा क्या है? व्हाट इज युक्त धारा? ऐसे प्रश्न आजकल बहुत मिलेंगे आपको। युक्त धारा भू स्थानिक योजना पोर्टल है, जियो स्पेशल पोर्टल है, भू स्थानिक योजना पोर्टल है ना। ये मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। भुवन के तहत ये कार्य करेगा, जो हमारा जियो पोर्टल है भुवन, इसरो के द्वारा जो डेवलप किया गया था उसके तहत ये काम करेगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्राप मोर क्राप, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान विकास योजना, इनके अंतर्गत जो भी परिसंपत्तियां हैं तो उसके लिए ये कार्य करेगा, उसकी मतलब जियो टैग के भंडार के रूप में यह कार्य करेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण केंद्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो ये अमेरिका को पीछे छोड़ के, ये अभी क्या हुआ है, अभी एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट है कुसमैन एंड वेकफील्ड, तो कुसमैन और वेकफील्ड ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, तो अमेरिका को पछाड़ कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य ये बना है। चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार अभी पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अमेरिका था, लेकिन यहाँ पर भारत आ गया है, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जो विकास हो रहा है, ठीक है। तो 2020 में भारत तीसरे नंबर पे था, लेकिन अमेरिका को पछाड़ के दूसरे नंबर पे पहुंच गया है ना, ये ध्यान रखना आप। बाकी व्याख्या आप देख लीजिएगा PDF में। हाल ही में किस देश ने फतेह फर्स्ट, ये 2 बार नहीं लिखा है कोई बात नहीं, फतेह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया? ये प्रश्न मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि ये पाकिस्तान के शाहीन फतेह ये पूरी सीरीज है, तो आप भूले ना, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। फतेह 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक हथियार पहुंचाने में सक्षम है। पाकिस्तान की ये निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रणाली है, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, और
बाकी फतेह कहाँ की सीरीज है, पाकिस्तान की है, शाहीन भी यहीं की है ना, शाहीन ये मध्यम दूरी की है और इसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है, और जबकि ये फतेह जो है ये छोटी दूरी तक का वारहेड लेके जाने में सक्षम है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खोला जाएगा? आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, जिनको पीसीएस का एग्जाम देना है और रियल में पास करना है, वो लोग इतनी प्रैक्टिस कर डालें, इतनी प्रैक्टिस कर डालें कि उनको हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नजर आने लगे। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, पुराने क्वेश्चंस देखिए, तभी काम बन पाएगा। तो सबसे बड़ा ऊर्जा ऊंचा सबसे ऊंचा बड़ा और ऊंचा दोनों ऑब्जर्वेशन व्हेल किस देश में खोला जाएगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा, है ना। आइन दुबई इसका नाम रखा गया है, नाम भी ध्यान रखना है आपको, आइन दुबई। 21 अक्टूबर 2021 को यूएई में ये खोला जाएगा, और आइन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है। सुरम्य क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद यहां से आप ले सकेंगे, दुबई के जगहों का दुबई को देख सकेंगे। 250 मीटर की ऊंचाई तक ये लेके जाएगा आपको, इतना ऊंचा होगा। दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर यह स्थित होगा, ठीक है। लोकेशन जान लीजिए कहाँ का है बस। हवाना सिंड्रोम क्या है? हवाना सिंड्रोम एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। क्या है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है ये हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम अमेरिकी राजनयिकों की बीमारी से ये मेल खाता है। वर्ष 2016 में अजीब सी आवाजें सुनने के बाद वे बीमार महसूस करने लगे थे, वे अजीब शारीरिक संवेदनाओं का भी अनुभव कर रहे थे। तब से इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम कहा गया। माइक्रोवेव हथियार के तौर पर जाना जाता है, एक प्रकार से प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार ये होते हैं, और इन हथियार के द्वारा लक्ष्य, मतलब एक जो लक्ष्य है, लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव ऊर्जा को क्या किया जाता है, सेंटर्ड कर दिया जाता है, केंद्रित कर दिया जाता है। तो उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव पल्सेस के संपर्क में जब लोग आते हैं तो उनके सिर में एक क्लिक होता है भनभनाने की, क्योंकि आवाज आती है ना। तो तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरीके से इसका प्रभाव भी होता है, और शारीरिक क्षति का कोई वैसे संकेत नहीं मिला है, लेकिन लोग परेशान तो हो ही जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संगठन ने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि महामारी एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है। तो ये रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक ने जारी की है, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एशिया आ ही रहा है, ऐसे याद रख लीजिएगा। और इसमें कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में विकासशील एशिया में अनुमानित 75 मिलियन से 80 मिलियन अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में इस महामारी ने ढकेल दिया है, COVID-19 ने, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे देश मेहनत करेंगे, रिकवर करेंगे, लेकिन तीसरी लहर ना आ जाए, ये भी एक चिंता है। और अंतिम प्रश्न है, ओ चंद्रशेखरन जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल में ओलंपिक में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? ओलंपिक चर्चा में है ना, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। और ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये और इम्पोर्टेंट बात है, अभी 86 साल के थे, चेन्नई कोच्चि में थे, इनका निधन हो गया है। फुटबॉलर थे, रोम और टोक्यो ओलंपिक 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, और 1960 में रोम में, तो उसमें भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे थे। 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में भी उन्होंने गोल्ड जीता था, है ना, और ऐसे कई पदक और जीत चुके थे। संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी भी उन्होंने की थी। तो ये कैसा लगता है आपको जरूर बताएं, और लोगों तक इसको शेयर करें। बाकी जो चीजें हैं, आप इस कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं। पीटी में इसने लोगों के अच्छे स्कोर कराए, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो इसके इसके सब्सक्रिप्शन को उन्होंने ले रखा है या नहीं ले रखा है, लोगों ने मैसेज किए। सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपको पीडीएफ मिलता है, डेली का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, बाकी यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहा है। मैंने पहले सोचा था नहीं डालूंगा, लेकिन जैसे ये बात मैंने बोली तो कई लोगों ने कहा नहीं डालिए। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि लोग ये ना सोचें कि पैसे के कारण ऐसा हो रहा है, कि फीस नहीं दे रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको इसीलिए वहां पे ओपन रखा। थैंक यू सो मच।